भारत में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जन वितरण प्रणाली यानी PDS एक महत्वपूर्ण माध्यम है। ये प्रणाली देश के करोड़ों जरूरतमंद लोगों को रियायती दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराती है। इस प्रणाली में तीन प्रमुख घटक हैं, भारतीय खाद्य निगम FCI, राज्य सरकारें और खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग इस पूरी प्रणाली की योजना बनाता है, नीतियां तैयार करता है और ये सुनिश्चित करता है कि हर जरूरतमंद व्यक्ति तक अनाज पहुंचे। FCI यानी भारतीय खाद्य निगम किसानों से धान और गेहूं जैसे अनाज की खरीद करता है, उन्हें सुरक्षित तरीके से गोदामों में संग्रहित करता है और फिर इन्हें पूरे देश में राज्य सरकारों को वितरित करता है। राज्य सरकारें अनाज को राशन की दुकानों तक पहुंचाती हैं, जहां से गरीब और जरूरतमंद लोग इन्हें रियायती दरों पर प्राप्त कर सकते हैं। PDS ने लाखों परिवारों की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया है। इसके माध्यम से गरीब और जरूरतमंद लोगों को न केवल भोजन मिलता है बल्कि उनके पोषण की जरूरतें भी पूरी होती हैं। FCI, राज्य सरकारें और खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग मिलकर भारत में ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कोई भी भूखा न सोए।